हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लियो फैन 5 टैबलेट के बारे में, जो कि इस टैबलेट को कैसे रम सेवाओं में प्रयोग की जाती है, जो कि आगे बात करेंगे इसके बारे में। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, कैसे यूज करना है और क्या इसका साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये लियो फैन 5 टैबलेट जो कि सन फार्मा कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो 66 रुपए है, जो कि एक स्टीम में 10 टैबलेट अवेलेबल है। दोस्तों ये आपको किसी भी केमिस्ट पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो ये हमें लिखते हैं वैक्लोफेन 5 mg। दोस्तों इस दवा को कैसे रम चुहों में प्रयोग की जाती है, चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। नंबर वन दोस्तों, एक मसल रिलैक्सेशन मेडिसिन है, इसे एंटी स्पास्मोटिक एजेंट भी कहते हैं। नंबर टू, मल्टीपल सेलोरिस हो गया हो, ये एक प्रकार का बीमारी है, व्यक्ति के मांसपेशियों में खिंचाव होता है तो उसमें प्रयोग की जाती है। नंबर थ्री, हिचकी की समस्या हो तो उसमें सबसे अच्छा काम करता है ये टैबलेट, जो कि हिचकी को ठीक कर देता है, जो कि बार बार आता है हिचकी, सांस लेने में दिक्कत होती है, कुछ खाया पिया नहीं जाता है, तो हिचकी के कारण से ये प्रॉब्लम होती है तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दिया गया है। नंबर फोर, यदि कोई व्यक्ति है जो सेरेब्रल पाल्सी पेशेंट है, जिसमें व्यक्ति कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाता, तो उस समस्या को भी ठीक करने में दी जाती है इस टैबलेट को। नंबर फाइव, मांसपेशियां कमजोर हो गया हो, उसमें ऐठन हो, दर्द हो। नंबर सिक्स, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो। नंबर सेवन, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो तो उसमें भी दी जाती है। तो दोस्तों इस टैबलेट को इन सभी प्रॉब्लम्स में यूज की जाती है। चलिए हम बात करते हैं इसको डोज के बारे में, यूज कैसे करें। तो इस टैबलेट को डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग पेशेंट के एज, वेट और कंडीशन को देखकर डोज देते हैं कि पेशेंट के कब से प्रॉब्लम है, कितना प्रॉब्लम है, तो इसको देखकर डोज देते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एडल्ट को एक एक टैबलेट दिन में 1 से 2 बार दी जाती है, बाकी डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग डोज को घटाते भी है और बढ़ाते भी है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज करना चाहते हैं उनका साइड इफेक्ट हमें मालूम होना चाहिए और साथ ही साथ उनकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। अगर ये टैबलेट आप यूज कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखें। नंबर वन, प्रेग्नेंट लेडी यूज ना करें विदाउट डॉक्टर एडवाइस के। नंबर टू, हाई बीपी पेशेंट भी प्रयोग ना करें। नंबर थ्री, किडनी संबंधित पेशेंट भी प्रयोग ना करें। नंबर फोर, लंग्स रिलेटेड कोई भी बीमारी हो तो यूज ना करें, यूज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें इस टैबलेट के बारे में। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो इस टैबलेट के कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं दिया गया है। अगर बाद में प्रयोग करते वक्त इनमें से कुछ भी दिखे, जैसे कि स्लिपनेस, ड्राई माउथ, हेडेक, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, इसका प्रयोग करना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये थे इसका वीडियो लियो फैन 5 टैबलेट के बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।